हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश की नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2019 और यह हमारी 206वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मैरी कॉम। हाल ही में मैरी कॉम ने प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम ने प्रेसिडेंट कप में 51 क्लू बैट कैटेगरी में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अप्रैल फ्रैंक को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, मैरी कॉम ऐसी पहली महिला भारतीय हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीता है, तो आपको इतना मैरी कॉम के बारे में याद रखना है। और दोस्तों, ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मंदिर की सवारी निकाली गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की सवारी निकाली गई है। दोस्तों, श्रवण मास में यानी श्रवण महीने में महाकालेश्वर मंदिर की सवारी निकाली जाती है। पालकी में भगवान महाकाल ने चंद्र मौलेश्वर स्वरूप के में विराजमान होकर नगर भ्रमण किया है। हाथी पर भगवान की मन महेश स्वरूप के दर्शन किए गए हैं। दोस्तों, याद रखना है महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की सवारी हाल ही में मध्य प्रदेश में निकाली गई है और ये सवारी प्रत्येक वर्ष हर वर्ष श्रवण मास में निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सुदर्शन पटनायक। हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। दोस्तों, आपको बता दें सुदर्शन पटनायक भारत के एक सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, यह पुरस्कार इन्हें स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन सेव अवर ओशन नामक कलाकृति के लिए दिया गया है। दोस्तों, यह आकृति इन्होंने बोस्टन में 2019 में रिजर्व बीच इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल के दौरान बनाई थी। सुदर्शन पटनायक भारत और एशिया के एकमात्र प्रतिभागी थे इस चैंपियनशिप में, तो आपको याद रखना है सुदर्शन पटनायक को अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम में कहां नेपाल अध्याय शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है काठमांडू। हाल ही में काठमांडू में विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम ने नेपाल अध्याय शुरू किया है। दोस्तों, आपको बता दें इस अवसर पर विश्व हिंदू आर्थिक फोरम के संस्थापक स्वामी विज्ञानंद ने कहा है कि आधुनिक विश्व में आर्थिक सशक्तिकरण एक आवश्यक है। नेपाल अध्याय का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्घाटन नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव द्वारा किया गया है। दोस्तों, अब आपको बता दें विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम के बारे में ये क्या है। तो आप सबसे पहले आपको बता दें इसकी स्थापना स्वामी विज्ञानंद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय रूप से सफल हिंदू समूह जैसे बैंकर, निवेशक, उद्योगपति, प्रोफेशनल्स, अर्थशास्त्री और विचारक को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, जहां पर ये अपने ज्ञान और विशेषता के बारे में लोगों को बताएंगे। तो आपको याद रखना है इसी का नेपाल अध्याय हाल ही में काठमांडू में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के रसगुल्ले को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, हाल ही में ओडिशा के रसगुल्ले को विशिष्ट भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। 2 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। दोस्तों, अब ये जीआई टैग होता क्या है आपको इसके बारे में बता दें। इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी में से विशिष्ट भौगोलिक संकेत के नाम से जाना जाता है। जीआई टैग उस वस्तु या पहचान अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करती है
यानी दोस्तों एक स्पेशल एरिया में जो पाई जाती है उस वस्तु उत्पाद के लिए यह जीआई टैग दिया जाता है। दोस्तों इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, इसे बाद में रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको बता दें, दार्जिलिंग चाय, तिरुपति लड्डू, कांगड़ा पेंटिंग, नागपुरी संतरा और कश्मीरी पश्मीना, इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर की चमड़े के खिलौने को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। दोस्तों अब बात आई है उड़ीसा की, तो मैप में आपको दोस्तों मैप में ये जगह है उड़ीसा। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। गवर्नर है गणेशी लाल, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। दोस्तों आपको बता दें, आजादी के पहले जो पहला स्टेट बना था वह था उड़ीसा में। 1936 में उड़ीसा राज्य बन गया था। हाल ही में राजीव कुमार को किस पद के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वित्त सचिव। हाल ही में राजीव कुमार को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को नया वित्त सचिव बनाया गया है। इन्हें सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्रालय में किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं। दोस्तों आपको बता दें, नियम के मुताबिक वित्त मंत्रालय में 5 सचिवों को चुना जाता है और उसमें से सबसे वरिष्ठ सचिव को वित्त सचिव नियुक्त किया जाता है और इसी पद के लिए राजीव कुमार को हाल ही में चुना गया है। और इससे पहले जो वित्त सचिव थे उनका नाम था सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर पर 8 माह का प्रतिबंध किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पृथ्वी शॉ। हाल ही में पृथ्वी शॉ पर 8 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों युवा भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर बीसीसीआई ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 8 माह का प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों पृथ्वी शॉ ने अनजाने में एक प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन किया था जो आमतौर पर खांसी की दवाई में पाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, पृथ्वी शॉ के बारे में, ये डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय हैं। इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 अक्टूबर 2018 को यह शतक लगाया था। तब इनकी उम्र 18 वर्ष 329 दिन थी। आपको बता दें, पृथ्वी शॉ का जन्म महाराष्ट्र के विरार में 1999 में हुआ था। तो इतना आपको पृथ्वी शॉ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब बाघ दिवस मनाया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 29 जुलाई। हाल ही में 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में की गई थी। दोस्तों इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना और बाघ संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता यानी अवेयरनेस फैलाना है। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF के अनुसार 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या लगभग 3900 थी। बाघ भारत में बाघ संरक्षण के लिए काफी सराहनीय काम किए गए हैं। 2006 में 1411 बाघ थे, वहीं 2014 में बढ़कर 2226 बाघ भारत में हो चुके हैं। दोस्तों भारत में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना की जाती है। तो आपको याद रखना है, विश्व यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों 29 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है, उसका नाम है विश्व हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1954। 1954 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के साहित्य का सृजन, संरक्षण, प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार, प्रबंध, सम्मान और पुरस्कार प्रदान करना है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2003 में मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भोपाल में स्थित है। तो इन दोनों में आपको फर्क याद रखना है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में और मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद की स्थापना 2003 में भोपाल में की गई थी। निम्न में से कौन सा
हरिशंकर परसाई जी की एक रचना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ये चारों हैं। श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, छुटुरता हुआ गणतंत्र, तब की बात और थी। ये सभी दोस्तों चारों रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की हैं। दोस्तों इसके अलावा रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, विकलांग, ये सभी भी हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है हरिशंकर जी का जो जन्म हुआ था वह मध्य प्रदेश में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल रीवा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भारत भ्राता। भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल रीवा है। आपको बता दें भारत भ्राता समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वह हुआ था 1887 में, यानी 1887 में, और इसकी भाषा थी हिंदी। आपको बता दें दोस्तों रीवा यानी जो रीवा पड़ता है विंध्य क्षेत्र में, तो ये विंध्य क्षेत्र का पहला समाचार पत्र था, इसका नाम था भारत भ्राता। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें तो नव संस्करण समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल ग्वालियर है, जयाजी प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल ग्वालियर है, और इन दोनों को 1905 में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों नवजीवन समाचार पत्र की प्रकाशन स्थल इंदौर है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 है। तो आपको इन चारों समाचार पत्र के बारे में याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड विमेन डेंजर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे असुरक्षित देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका वुमन के लिए यानी महिलाओं के लिए सबसे डेंजरस देश है। दोस्तों आपको बता दें अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए दक्षिण अफ्रीका सबसे असुरक्षित देश है। वहीं अगर बात करें स्पेन की तो ये सबसे सुरक्षित देश है। दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड वुमन डेंजर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, इसमें जो पहले स्थान पर सुरक्षित देश है वह है स्पेन और सबसे असुरक्षित देश है साउथ अफ्रीका। वहीं अगर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत 9वें स्थान पर स्थित है, यानी भारत असुरक्षा के मामले में 9वें स्थान पर है। दोस्तों बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की, तो कल का क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी विश्वविद्यालय रायसेन में स्थापित की जाएगी? तो उसका सही ऑप्शन था दोस्तों सैम विश्वविद्यालय, सैम यूनिवर्सिटी रायसेन जिले में स्थापित की जाएगी। वहीं बात करें दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का क्वेश्चन है मोगली पार्क कहां बनाया जाएगा? इसका सही ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी पढ़ सके मध्य प्रदेश जीके के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।